सोलन बाईपास पर स्थित गौ सदन में कुछ दिन पहले मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दौरा किया। यहां पर उन्होंने गौ सदन को यथासंभव सहायता प्रदान करने की हामी भरी थी, जिसको लेकर गौ सदन के सदस्यों में काफी खुशी देखी जा रही है। संस्था के पदाधिकारी प्रदीप शर्मा ने इस आश्वासन के लिए मंत्री वीरेंद्र कंवर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सराहनीय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से वे सड़कों पर घूम रहे पशुओं को आश्रय दे पाएंगे। आश्रय मिलने से जहां एक ओर पशुओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आएगी। प्रदीप शर्मा ने इस मौके पर कहा कि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गौ सदन के भवन निर्माण के लिए सहायता राशि देने के लिए आश्वासन दिया है, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उनका मार्गदर्शन किया, जिसे वे अपनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाय को 500 रुपए देने की भी बात उन्होंने कही है, जो कि एक सराहनीय कदम है, जिसका वे अपनी संस्था की ओर से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा गाय की देशी नस्ल को रखने के लिए भी बल दिया गया है, जिसका वे आने वाले समय में पूरा ख्याल रखेंगे। जो वीरेंद्र कंवर जी है वो गोपाष्टमी के दिन आश्रय गौ सदन में आए, और आश्रय गौ सदन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंत्री जी ने उस दिन हमें नवनिर्मित भवन के लिए सहायता राशि प्रदान करने की बात की है, जो कि वो अभी कुछ ही समय में जल्द पूर्ण हो जाएगी। और मंत्री जी ने ये भी बताया कि हम ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती से जो है वो किस तरीके के लाभ होते हैं वो हम सभी को पता है। और जैसे कि सरकार अभी एक स्कीम और चला रही है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक खेती में जो है भारतीय बैल का प्रयोग करता है तो उसे भी गवर्नमेंट जो है अभी 2000 रुपये देने जा रही है। और आश्रय गौ सदन का जो मेन एम है वो ये है कि गौशालाओं में जो है भारतीय नस्ल रहनी चाहिए, और जो ये मिक्सचर्स है, ये मिक्सचर जो है ये हमारे गवर्नर केंद्र को जाने चाहिए। तो मंत्री जी भी ये इस बात से काफ़ी उन्होंने हामी भरी है इस बात को करने के लिए, तो मैं तहे दिल से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो उन्होंने ये 500 रुपये पर गऊ के लिए जो दिया है वो भी एक बहुत, उससे जो है गौ सदनों को बहुत सहारा मिला है, तो मैं बहुत ही उनका कृतज्ञ हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आश्रय गौ सदन में आए और उन्होंने जो है आश्रय गौ सदन की शोभा भी बढ़ाई और अपने विचार जो है लोगों को यहाँ पर सुनने को भी मिले।